अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल भी जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से ज़ियारत मुए मुबारक गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहतमाम किया गया था सुल्तान मुमरा हज़रत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सहन में, और हर साल इसमें बड़ी तादाद में ज़ाहिरीन शिरकत करते हैं। तो आइए ले चलते हैं इसकी विजुअल की तरफ। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका नजर इंडिया न्यूज में, और हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तान मुमरा हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार मुबारक में, और तमाम आलम इस्लाम को और औलिया कराम के चाहने वालों को हम उर्से गौसे पाक यानी कि 11वीं शरीफ की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारा यहाँ आने का मकसद है कि यहाँ पर जमातुल मुस्लिमीन उमरा ट्रस्ट की तरफ से ज़ियारत तबरुकात के तौर पर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाले मुबारक और मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है हर साल जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से ज़ायरीन का यहाँ पर एक तांता बना हुआ है, भीड़ लगी हुई है, सब फैजियाब हो रहे हैं। और ये मेरे सामने दरबार सुल्तान मुमरा, जिसकी आप ज़ियारत कीजिए इस सहन से, इस सहन के सच्चे से, और इस सहन से हम मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम आलम इस्लाम को 11वीं शरीफ की। आइए जानने की कोशिश करते हैं जिनके ज़ेर साया, जिनके ज़ेर इंतज़ाम ये अंजाम आता है। जनाब मंजूर अली खान जो इसकी ज़ियारत रखवाते हैं, आइए बात करते हैं इनसे। इस्तकबाल है आपका, क्या कहेंगे इस मौके पर? 11वीं शरीफ का मौका है, वलियों के सरदार की आमद है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो पहले से चल रहा है दरबार जमीयत मुस्लिम, हमारे जिम्मेदार लोग सब इधर रखते हैं, उनके तरफ से हर साल फिर अच्छे से होता है। बारिश शरीफ भी होती है, 11वीं शरीफ भी होती है, अबाओं के उरूस वगैरह भी होते हैं, इतने जमीयत मुस्लिम की जिम्मेदारी लोग से पूरा चल रहा है, आज बहुत सालों से चल रहा है। और क्योंकि जो सरकार का मुहिम मुबारक, गौसे पाक का मुहिम मुबारक, हमारा टाइमिंग क्या रहता है, सुबह फजर नमाज के बाद चले गए तो 12:30 बजे तक जेंट्स लोग में रहता है, और 2 बजे से लेके 6 बजे तक लेडीज लोग में रहता है मगरिब में माशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे नाच पानी करते हैं, ये देखा है हमने इनको अक्सर, तो आपसे एक छोटी सी इल्तिजा, थोड़ी सी गुजारिश है कि आप हर वक्त औलिया कराम की शान में इस दरबार में बैठ के आप पेश करते हैं नाच खवानी मन का बात, गौस पाक की शान में क्या कहना चाहेंगे इस वक्त, कोई मन का बात, कोई शेर? ये इतना मुबारक दिन है, सरकारे गौसे पाक की 11वीं है, और ये इतना इस दिन के बारे में सरकारे गौसे पाक लोगों में खजाना लुटाया करते थे, और वो वलियों के शहनशाह है, वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरीन का यहाँ पर हुजूम है, लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भी ज़ियारत कराई जाती है जमीतुल मुस्लिमीन की तरफ से, और जितने भी खुद्दाम इकराम हैं यहाँ पर, खुद्दाम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से सही मानों में ज़ियारत लोगों को कराते हैं। और माशाल्लाह 11वीं शरीफ में भी ये ज़ियारत का अहतमाम होता है, अभी ज़ोहर तक के जेंट्स लोगों का इंतज़ाम किया गया, उसके बाद लेडीज़ लोगों का भी हुजूम था। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे पाक की मुँह मुबारक की ज़ियारत करके लोगों ने बहुत बहुत फैजियाब हासिल किए अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दोपहर से यहाँ पर औरतें ज़्यादातर यहाँ पर खातिन मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं यहाँ पर, और इसके अलावा 11वीं शरीफ हो गई, 12वीं शरीफ हो गई, और जिस तरह से मंजूर भाई को तो जिस तरह से मंजूर भाई यहाँ हमेशा खिदमत में लगे हुए हैं, और एक दिन पहले कुछ चिराग वगैरह का भी प्रोग्राम होता है यहाँ पर, चिराग रोशन जी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी शबे 11वीं शरीफ में यहाँ पे आस्तानी के सहन में सरकारे गौसे पाक के मुकद्दस शहर का एक पत्थर है, वहाँ पर चिराग रोशन भी होता है, चिराग की कुशाई अलम कुशाई भी होती है। तो एक दिन पहले हमारे मंजूर भाई और दरगाह के खुद्दाम इकराम और जनाब हाजी अबा मेमन साहब, ये लोगों ने मिलकर निशान कुशाई किया, और उसी के एक दिन बाद आज ठीक सुबह खत्मे कादरिया का भी मस्जिद में प्रोग्राम रखा गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारे इमाम साहब वगैरह कुरान खानी सलातो सलाम हुआ, फिर मुहे मुबारक शरीफ को उतारा गया। मंजूर भाई और क्या क्या इस मौके पर मुमरा में क्या क्या होता है? माशाल्लाह सैयद फखरुद्दीन साहब बाबा में इतनी रहमत है, हर जुमेरात को जमीयत मुस्लिम के तरफ से हमारे नईम खान बाबा भाई नईम नजीर खान साहब ने लंगर चालू किए, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छे से लंगर, 200-250 आदमी ना हर जुमेरात को आते,
आप आके देखना, हर जुमेरात को सरकार के सबका उनका लंगर बटता है और जुमेरात, और हर महीना 16वीं सब होती है बाबा की, जैसे हर महीना 36 शरीफ से ऐसा होता है गरीब नवाज में, तो ऐसी सरकार पे हर महीने की 16वीं शरीफ होता है, तो इसमें 16वीं शरीफ में हमारे हमीद नाथ खां है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरा संभालते 16वीं सब पूरा अल्हम्दुलिल्लाह नाथ शरीफ वगैरह करके पूरा महफिल होती है, और हम लोग चाहते हैं ऐसे और दिन का काम अच्छे से होए। ये सुल्तान मुमरा है, हर मुमरा के चाहने वाले हर अकीदतमंद आते हैं इधर सबका अंदर। और हम अहले मुमरा से भी गुजारिश करते हैं कि जैसे कि सरकार गरीब नवाज हो गई, सरकार गौसे पाक हो गए, इनके 11वीं शरीफ है, सरकार गरीब नवाज की 6वीं शरीफ है, तो इसी यानी निस्बत से सरकार शहनशाह मुमरा की 16वीं शब मनाई जाती है, तो हम गुजारिश करते हैं कि हर महीने की उर्दू की 16 तारीख को बाद नमाज ईशा सरकार की महफिल शरीफ होती है, कुल शरीफ का इंतजाम किया जाता है, उसमें लंगर शरीफ तकसीम किया जाता है। आप लोगों से गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं और अपने रहनुमा अपने पेशकश सरकार शहनशाह मुमरा जो हमारे मुमरा के मालिक भी है शहनशाह भी, इनकी बदौलत पूरे मुमरा का निज़ाम चल रहा है, ये हमारा अकीदा है कि आपसे गुजारिश है कि इनके दरबार में हर 16वीं शब में आएं और अपने बुजुर्गों से वाबस्ता रहिए, वही कौम जिंदा रहती है जो अपने बुजुर्गों की याद मनाती है। जी बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे खादिम मंजूर अली खान और उनकी टीम जो करते हैं हर साल ज़ियारत मुए मुबारक के गौसे आज़म दस्तगीर और दूसरे प्रोग्राम इनकी तरफ से अंजाम होते हैं, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं और अहले मुमरा को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं इस पुरखुलिस मौके की। कैमरामैन समीर सैद के साथ आदिल खान, नजर इंडिया न्यूज़।